कहाँ गई हैं? कुछ बताया भी है या नहीं? बताएं या ना बताएं, मुझे सब पता है। गई है खरीदारी करने। हम कुछ मांगे ना तो सदियों के भूखे बन जाते हैं दोनों मियां बीवी, और अब देखो कैसे लाखों रुपए लुटा रहे हैं इस लड़की पर। एक ही तरीका है, सुबह हम दादू को बात समझाते अपने तरीके से, फिर दादू उनसे खुद ही निपट लेंगी। कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। मैं जो उसके लिए जोड़ा लेकर आया हूँ, हम उसे उसी जोड़े में ब्याह कर लेकर जाएंगे। तुम कौन होती हो तय करने वाली कि क्या जाएगा क्या नहीं? मामा बताए ना मैं कौन हूँ, प्लीज बताए ना, कहाँ से उठा के लाई थी मुझे, किसकी बेटी हूँ मैं, किसी की जायज औलाद हूँ या? मामा मैं कहीं कब थी, आप कभी मत रोइएगा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मामा नहीं रोए ना, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे रोना आता।
याद आ रही है ना? कितनी अजीब बात है ना, वो जो हमारी औलाद नहीं थी ना, उसने हमें इतना प्यार दिया कि वो अभी तक हमारी आंखों में मंजर की तरह मौजूद है। वो जो हमारी औलाद है वो हमसे ये तक पूछने नहीं आती कि हम कैसे। मैंने आपसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की अरसलान, पर आज मुझे कह लेने दीजिए, मुझसे मेरा घर और मेरी औलाद छीन ली आप लोगों ने। सरेआम और बात की तरबियत तो आपकी मामा ने की, उन्हें उनकी मां की मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने दिया। दोनों के नजदीक अपने मां बाप की कोई अहमियत नहीं है। वो अगर कोई बात मानते तो सिर्फ अपनी दादी की। हर सलाम मैं तो खाली हाथ रह गई, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। क्या मैं भी नहीं? हाँ सिर्फ आप, वो भी इतने कि बस मैं आपके कंधे पे सर रख के रो सकूं या आप मेरे आंसू पोंछ सकें, लेकिन इन आंखों में आंसू ना आए। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मुझे एहसास है कि मैंने बहुत गलतियां की, उनका खमियाजा तुम भुगत रही हो। मैं अपनी गलतियों से कैसे छुटकारा पाऊं? एक वक्त आ जाता है अरसलान, तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। उस वक्त हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। गुजरे हुए वक्त को लौटाना किसी के पास में नहीं। मैं तो आपकी तमाम गलतियां बहुत पहले माफ कर चुकी हूं अरसलान। तो तुमने दरवाजा बंद तो नहीं किया ना? आपकी गलतियां तो मैं कब की माफ कर चुकी हूं अरसलान। हेलो जी, चंदा खाल, चंदा खाला। हेलो चंदा खाला। अच्छा चंदा खाला की तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलो उनके पास चलो।